एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो सबसे नंबर वन पे इसका इस्तेमाल, दैट इज प्रेडिक्शन ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। प्रेडिक्शन हम पिशेन को ही कर सकते हैं कि क्या रिएक्शन फिजिबल होगा, मुमकिन होगा या नहीं। तो कैसे आप रिएक्शन को फिजिबल है या नहीं डिक्लेयर करोगे, अगर तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिएक्शन पोटेंशियल प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, इसका मतलब है वो स्पॉन्टेनियस होगा और वो फिजिबल होगा। और अगर उसकी वैल्यू, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आया, तो इसका मतलब है वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा, वो रिएक्शन मुमकिन नहीं होगा, उसके उसके लिए स्पॉन्टेनियस होना मुमकिन नहीं होगा, वो फिजिबल नहीं होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो जिंक यहां पे रिड्यूस हुआ, और रिड्यूस होने के लिए इसे माइनस 0.76 मतलब इतना वोल्टेज देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं। और अगर जिंक की ऑक्सीडेशन हो, अब ये 0.76 वोल्ट प्रोड्यूस करेगा, मतलब अब रिएक्शन फिजिबल है। इसी तरह अगर कॉपर हो, और कॉपर को मैं कहूं कि उसने इलेक्ट्रॉन दिए, इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसके लिए वैल्यू आएगी माइनस 0.34, माइनस का मतलब रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। और अगर उसके बजाय हम कहेंगे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो वैल्यू आएगी प्लस 0.34, इसका मतलब रिएक्शन फिजिबल होगा। इन सिंपल वर्ड, सारे एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन होगी उनकी, और जो हाइड्रोजन से नीचे है ये सब इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, तो इनकी रिडक्शन पोटेंशियल होगा और ये इन सब के लिए फिजिबल है। अगर इसके उलट हो तो वो फिजिबल नहीं होगा। देन कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल। अगर जिंक के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, और अगर कॉपर में रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34। तो आप सेल का ओवरऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानते हो, दैट इज ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन है 0.76 और रिडक्शन है 0.34, तो ऐड करने से हो जाएगा 1.1 वोल्ट। नंबर 3, कंपैरिजन ऑफ रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू गेट ऑक्सीडाइज्ड आर रिड्यूस्ड। तो रिलेटिव टेंडेंसी अगर देखें, हम कहते हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, तो इनके अंदर ऑक्सीडेशन होती है, तो क्या सबकी ऑक्सीडेशन सेम होती है? नहीं, इसकी ऑक्सीडेशन बड़ी मुश्किल से होती है, इनकी ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से होती है, और ये बेस्ट ऑक्सीडेशन करते हैं, इनके अंदर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेहतरीन होगा। इसी तरह जो हाइड्रोजन के करीब तरीन है, इनका रिडक्शन पोटेंशियल एज अ नॉन मेटल कम होगा, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल एज अ नॉन मेटल बेहतरीन होगा। तो बेहतरीन रिडक्शन पोटेंशियल एज अ नॉन मेटल इज शोन बाय फ्लोरीन, व्हाइल द बेस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज अ मेटल इज शोन बाय लिथियम। रिलेटिव केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, तो मेटल्स, अच्छी मेटल कौन सी होती है, बेहतरीन मेटल कौन सी होती है? अगर बेस्ट मेटल की बात करो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बेहतरीन मेटल है, और जो सबसे नीचे है जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये अच्छी मेटल्स नहीं है। जैसा कि अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, इनकी रिलेटिव टेंडेंसी एज अ मेटल, एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे इनकी एज अ मेटल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होता जाएगा, जबकि एज अ नॉन मेटल इनका रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HCl, अगर कोई बड़ा अच्छा मेटल हुआ तो वो फौरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। जैसे कैल्शियम अच्छी मेटल है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और कैल्शियम को रेड बना दिया। और अगर कोई वीक मेटल होगी, जैसे हाइड्रोजन के बिल्कुल ऊपर लेड मौजूद है, तो बड़ी मुश्किल से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी। और अगर कोई हाइड्रोजन से नीचे हो, जैसे गोल्ड, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस ही नहीं कर सकती, क्योंकि ये अच्छी मेटल नहीं है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का पोटेंशियल इसके अंदर मौजूद नहीं है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन मेटल बाय अनदर फ्रॉम सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल अगर मैग्नीशियम सल्फेट है, तो मैग्नीशियम सल्फेट को कैल्शियम बासानी रिमूव कर देगा,
क्योंकि मैग्नीशियम नीचे और कैल्शियम ऊपर है, तो मैग्नीशियम के अंदर हो रही है ऑक्सीडेशन, कैल्शियम के अंदर भी हो रही है ऑक्सीडेशन और कैल्शियम ऊपर है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम को फौरन रिप्लेस करके इसकी जगह ले लेगा। लेकिन अगर मैग्नीशियम सल्फेट में से जिंक डाले जाए, जिंक उसके नीचे है, तो जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगी। जैसे मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, अगर मैग्नीशियम सल्फेट हो तो मैग्नीशियम के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, इनमें से कोई भी होगा ना, इनमें से कोई भी, तो वो मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। और अगर इधर नीचे से कोई भी हो तो वो कतई मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनसे ज्यादा है। और नीचे वाले केस में डिफरेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सिल्वर हो, अगर सिल्वर हो तो सिल्वर के अंदर हो रही है रिडक्शन, अगर इनमें से कोई हुआ ना, इनमें से, तो इनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ये सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नीचे से हुआ तो बासानी सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, और जितना दोनों एनोड ये ऊपर वाले तमाम एलिमेंट्स एनोड होना पसंद करते हैं और नीचे वाले कैथोड होना पसंद करते हैं, और जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल ज्यादा प्रोड्यूस होगा।